नमस्ते दोस्तों, मैं संगीता चौधरी ओम साई राम फूड किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की पापड़ी की रेसिपी। ये पापड़ी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ज्यादा आसान है, और हम इन्हें बना करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जब भी बच्चों को, बड़ों को, घर में किसी को भी भूख लगे तो चाय के साथ या ऐसे भी हम इन्हें खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बेसन की चटपटी पापड़ी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये स्नैक्स बनाऊंगी मैं बेसन से। तो मैं यहाँ पर एक बाउल बेसन इस मिक्सर बाउल में डाल रही हूँ। तो दोस्तों, अब डालेंगे हम यहाँ पर अजवाइन। तो मैं यहाँ पर एक चम्मच अजवाइन डालूंगी। अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक चम्मच हम यहाँ पर नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक चुटकी हम यहाँ पर गरम मसाला डालेंगे, एक चुटकी हम यहाँ पर हींग डालेंगे। दोस्तों, हम सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और अब डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा पानी। तो पानी हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है और इसे मिलाते जाना है। हमें इसका एक सख्त डो बनाना है, जैसे हम रोटी का बनाते हैं उससे सख्त डो बनाना है हमें। दोस्तों, यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि अगर एकदम से हम ज्यादा पानी डाल देंगे तो जो ये बेसन होता है बहुत ही चिपचिपा होता है, हाथ के ऊपर चिपकने लग जाएगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल दो दो चम्मच पानी डाल रही हूँ और मिलाते जा रही हूँ बेसन को। दोस्तों, लगभग 7 से 8 चम्मच पानी, यानी कि आधा बाउल पानी में हमारा डो बनके तैयार हो गया है। तो देखिए कितना सख्त डो बनाया है मैंने, ना तो ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा हार्ड है, तो ऐसा ही रखना है हमें। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल डालकर के इसे बस 2 मिनट के लिए थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। एक बाउल बेसन में एक छोटा चम्मच नमक डाला है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग नमक कम खाते हैं तो नमक आधा चम्मच ही डालें और बाद में गार्निशिंग करते टाइम नमक बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो बनके तैयार हो गया है। हमें इसे 15 मिनट के लिए ढक करके रख देना है। दोस्तों, 15 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा बेसन वाला डो है बिल्कुल बढ़िया तैयार हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। बस मैं इसे एक बार इस तरीके से मथ लूंगी जिससे कि थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। और जो हमारा ये डो है इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी। दोस्तों, मुझे यहाँ पर एक लोई लेनी है और जो लोई है उसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा डस्ट करना है। मैं यहाँ पर गेहूं का आटा डस्ट कर रही हूँ। आप मैदे का यूज भी कर सकते हैं डस्ट करने के लिए, या तेल का यूज भी कर सकते हैं। और अब इसे मैं बेलना स्टार्ट करूंगी। तो हमें इसे बिल्कुल पतला बेलना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर देखिए जो हमारा ये डो है इसे बेल करके तैयार कर लिया है। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे हम चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप थोड़ा ज्यादा चिली पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर कस्तूरी मेथी लगाएंगे और इसके ऊपर एक बार बेलन चला लेंगे जिससे कि जो हमारी चिली फ्लेक्स है और कस्तूरी मेथी है वो चिपक जाए। तो हमें बिल्कुल पतला ही रखना है। देखिए, अब हम एक फोक लेंगे और जो फोक के पीछे वाला पार्ट है इस पार्ट से हम इस तरीके से दबा दबा करके मार्क कर देंगे। हमें बिल्कुल छेद तो नहीं करने हैं, बस मार्क ही करना है। और दोस्तों, अब लेंगे हम एक चाकू और चाकू से कट करेंगे। तो अब हम इस साइड से कट लगाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो अब ये सारे पीसेस को रखेंगे हम एक प्लेट में। तो देखिए, मैंने इस प्लेट में सारी जो हमारी पापड़ी है वो रखती है। तो इसी तरीके से मैं बाकी पापड़ी को बना करके तैयार कर लूंगी। दोस्तों, देखिए हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल गरम किया है। मैं सरसों के तेल में ही ये पापड़ी फ्राई करने वाली हूँ। तो जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए, अब हम गैस फ्लेम को लो कर देंगे और लो गैस फ्लेम पर हमारी जो ये पापड़ी है ये डालेंगे 1 बाय 1 करके। और लो गैस फ्लेम पर ही इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये पापड़ी है बहुत पतली है, बहुत बारीक है
अगर हम हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे तो जल जाएंगी, ये कुरकुरी नहीं होंगी। तो जैसे देखिए हमारी पापड़ी ऊपर ताड़ने लग गई है, हम इनकी साइड चेंज कर देंगे, इन्हें पलट देंगे। दोस्तों देखिए हमारी जो पापड़ी है उनका थोड़ा कलर चेंज हो गया है, हल्का ब्राउन कलर आ चुका है हमारी पापड़ी के ऊपर। तो हमें इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना है, बस जैसे ही कलर चेंज होने लगे तो हम इन्हें निकाल देंगे। देखिए देखिए हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी बेसन पापड़ी बनके तैयार हो गई है। तो इन्हें हम रख देते हैं साइड में और बाकी पापड़ी भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। दोस्तों देखिए हमारी बेसन की पापड़ी बनके तैयार हो गई है और थोड़ी ठंडी हो गई है। तो ठंडी होने के बाद में देखिए बिल्कुल क्रिस्पी लग रही है हमारी मसाला बेसन पापड़ी। तो देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। और देखिए कोई भी ऑयल नहीं इनके ऊपर एक्स्ट्रा। और अगर हम इन्हें स्टोर करके रखते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में तो ये महीनों तक भी खराब नहीं होती है और महीनों तक भी ये क्रिस्पी रहती है। एक बाउल बेसन में इतनी सारी पापड़ी बनके तैयार हो गई है, तो मैंने डालती हूँ बाउल में। तो हम यहाँ पर एक चुटकी डालेंगे चाट मसाला, एक चुटकी डालेंगे काला नमक और एक चुटकी डालेंगे गरम मसाला और अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमारी बिल्कुल चटपटी टेस्टी टेस्टी मसाला पापड़ी बनके तैयार हो गई है। तो हमें इन पापड़ी को बिल्कुल पतला बेलना है, बिल्कुल बारीक बेलना है। अगर कोई पार्ट हमारा मोटा रह जाता है तो वो फूल जाता है इस तरीके से, या फिर जो हम फोक से मार्क करते हैं वो मार्क किसी पार्ट में अगर नहीं हुए हैं तो भी हमारा जो पापड़ी का पार्ट है वो फूल जाएगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल पतला रखना है पापड़ी को। तो देखिए हमारी कितनी टेस्टी पापड़ी बनी है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये रेसिपी बताइएगा जरूर। धन्यवाद।